वजन बढ़ता है तो आपकी लुक्स भी तो खराब होती है, आपकी सेहत खराब होने की भी तो निशानी है। बढ़ा हुआ वजन कई बीमारियों की शुरुआत का पहला स्टेप माना गया है, लेकिन वजन घटाना अपने आप में एक तपस्या है। हमारे में से अधिकतर लोग आलसी ही होते हैं। शिप के छोटे मोटे छेद की परवाह तो हम करते नहीं, लेकिन जब उस छोटे छोटे छेदों से एक एक बूंद करके पानी अंदर भरने लगता है तो एक ही ऑप्शन बचती है, शिप का डूबना। आज कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो आप आलसी होने के बावजूद भी कर सकते हैं। अगर आपका वजन सही है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं। नंबर वन, खाने के बाद और मीठा खाने से पहले हल्के हाथ से टूथब्रश करें। ये क्या है? कुछ नहीं, बस समझाने की बात है। खाने के बाद आप ब्रश करोगे तो आपके दांत साफ रहेंगे और आपका वजन भी कम होगा। अक्सर खाना खाने के बाद लगता है यार पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, उसके लिए हम मीठा ढूंढते हैं या फिर आइसक्रीम्स वगैरह ढूंढते हैं और कुछ देर के बाद स्नैकिंग आदि करते हैं। जब हम ब्रश करेंगे तो टूथपेस्ट का स्वाद हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा कि और अधिक ना खाया जाए। ब्रश करने के बाद आपकी मीठा खाने की इच्छा भी नहीं रहेगी, जो मेनली कसूरवार है आपके वजन बढ़ाने का। स्पेशली डिनर के बाद ब्रश करने से आप सुबह तक आराम से सो सकते हैं और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आप पूरा खाना खा लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता, और फिर मदर से पूछते हो, मामा मैंने 3 रोटी खा ली क्या? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है, बातों में, कहीं सोच में या कहीं बाहर। ऐसे में आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हो एंड रिजल्ट वेट गेन। नंबर टू, बहुत बार आप नोटिस करोगे कि आप पूरा खाना खा लेते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि रोटी खा ली। इसके लिए खाने के समय खाना डिम लाइट में खाएं और बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक चलने दें। आप रिलैक्स रहेंगे, आपको बाहर के थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, इससे आप खाने पे फोकस करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे और बेमतलब खाते नहीं रहेंगे। नंबर थ्री, तेज स्पीड से खाने वाले भी अक्सर ज्यादा खा लेते हैं और उनका वजन अधिक होता है। कम स्पीड में खाएं, आपके ब्रेन को साथ साथ सिग्नल्स मिलते रहेंगे कि आप खा रहे हो और आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाओगे। अगर स्पीड कम नहीं हो रही तो फोक एंड नाइफ का इस्तेमाल करें, यानी छुरी कांटा, इससे आपके खाने की स्पीड कम हो ही जाएगी। परांठा, सैंडविच, चावल, सब्जी सब फोक एंड नाइफ के साथ खाएं। स्पून से या हाथ से ज्यादा खाया जाता है। नंबर फोर, कभी भी ये ना बोलें कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं, सुबह जल्दी उठना है या वर्कआउट करने का टाइम हो गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक्टिविटीज जनरली आपको पसंद नहीं होगी। फिजिकल एक्टिविटीज आपके शरीर को थोड़ा सा कष्ट तो देती ही है और आपका मन करता है कि हो सके तो इस कष्ट से बचा जाए। जिस दिन घर कोई आ जाता है या बरसात होने लगती है तो आपको बड़ा रिलीफ मिलता है कि आज सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। आपकी बॉडी ऐसे मूवमेंट्स का इंतजार कर रही होती है। आप कुछ ऐसा बोले जो आपके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स दे, ताकि आपका दिमाग आपकी बॉडी को एक्सरसाइज ना करने का कोई बहाना ना दे। फॉर एग्जाम्पल, मजा लेने का टाइम, मस्ती का टाइम, फन टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। धीरे धीरे आपका दिमाग यही मान लेगा कि मस्ती का टाइम हो गया है, क्यों मिस कर रहे हो। नंबर फाइव, बर्तन क्रॉकरी वगैरह का साइज छोटा कर दो। रिसर्च कहती है कि छोटे बर्तन यूज करने से वजन कम होता है। आप 2 साइज की कटोरियां लो, एक बड़ी और एक छोटी, और दोनों में इक्वल क्वांटिटी की सब्जी डालो। बड़ी कटोरी को देखकर लगता है ना कि सब्जी कम है और ली जाए। इस तरह प्लेट्स एंड कटोरीज का साइज छोटा करने से आप दाल और सब्जी कम लोगे, आप ज्यादा नहीं खा पाओगे एंड एज अ रिजल्ट आपका वजन कम होगा। नंबर सिक्स, जी गो ग्रीन। कोई भी डिश बनाते समय उसमें सब्जियों की क्वांटिटी अधिक से अधिक ऐड कर लो जितनी हो सके। इससे आप डिश की थोड़ी सी क्वांटिटी लेने से भी सेटिस्फाइड हो जाओगे, क्योंकि सब्जियों का फाइबर आपको फुलनेस देगा और आपको भरे पेट का एहसास होगा और आप दोबारा नहीं लोगे। जैसे कि दलिया और ओट्स बनाते हो तो उसमें मैक्सिमम सब्जियां ऐड कर लो, मटर, गाजर, गोभी, कैप्सिकम, टोमेटोज एटसेट्रा, और दाल बनाते समय आप घी ऐड कर सकते हो। समझ गए ना, गो ग्रीन। नंबर सेवन, हम में से बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि हमें प्यास लगी है या भूख। जब घूमते घूमते हमें प्यास लगती है तो हम वड़ा पाव, बर्गर, समोसे, चने भटूरे खा लेते हैं। जैसे ही कुछ खाने पीने की इच्छा हो पानी पी लो, हो सके तो नींबू डालकर, इससे आपकी प्यास भी बुझ जाएगी
और जो आपको लग रहा था ना कि शायद भूख लगी है, वो गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। फिर भी अगर भूख लगी है तो ऑटोमेटिकली कम खाया जाएगा, तो खाने से कुछ समय पहले पानी या नींबू पानी जरूर पिए। नंबर 1, बार बार खाओ। इस पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, बट मेरी स्टडी कहती है कि हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए। बहुत भूख लगने पर जब कुछ खाते हैं तो कुछ ज्यादा ही खाया जाता है। बार बार खाओ लेकिन अच्छा खाओ, लो कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिशन। इसके लिए आप मेरी बाकी की हेल्थ वीडियोस भी देख लेना। नंबर 9, ये वीडियो केवल आलसी लोगों के लिए ही बनाई गई है। अगर आप सच में आलसी नहीं हो तो पूरी नींद लेते होंगे, ज्यादा सोते होंगे। ज्यादा सोने वाले कम खाते हैं, उनको भूख कम लगती है। कम सोने से कैलोरीज बर्न होने की स्पीड कम हो जाती है। ज्यादा सोएं, पूरी नींद लीजिए, आलसी बनिए और वजन कम कीजिए। अगर आप कम सो रहे हो तो अपने आप को आलसी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? नंबर 10, बदल डालो। इस बार जब आप किराना खरीदने जाओ तो बास्केट में एक बदलाव देखने का प्लान करो। व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड, भुजिया नमकीन मट्टी की जगह काजू किशमिश बादाम, काले चने मूंगफली, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोला की जगह गुआवा जूस एप्पल जूस कोकोनट वाटर एटसेट्रा। आइसक्रीम्स की जगह वाटरमेलन अनार कीवी पाइनएप्पल मैंगोज एटसेट्रा एटसेट्रा। टोफू पनीर दही भी इस बार बास्केट में होने चाहिए। आई अश्योर यू, आपका टोटल बिल पहले से कम होगा, और अगर उतना भी हो तो दवाइयों का खर्चा जरूर कम होगा एंड वजन तो कम कर ही लोगे। नंबर 11, सुश्री बहुत एक्टिव है या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको डिनर पार्टीज अटेंड करनी ही पड़ती है, नो प्रॉब्लम। खाने पीने के बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर दो, वहां पर खाने के लिए क्या क्या होगा। ऐसा सोचने से आपके एपेटाइट हार्मोन कम हो जाते हैं और आपकी भूख मरती है। आप थोड़ा खाने से ही सेटिस्फाइड हो जाते हो एंड रिजल्ट अगेन वेट लॉस। थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी खाने से पहले अपने आप को एक क्वेश्चन करो कि क्या मुझे इसकी जरूरत है, और फिर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। ध्यान रहे, हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, मतलब कि अच्छी सेहत सबसे पहला सुख है। अगर सेहत अच्छी है तो परिवार के साथ हंस सकोगे, कमाया हुआ पैसा एंजॉय कर सकोगे, समाज में अच्छे से घूम सकोगे, कुल मिलाकर जिंदगी का मजा ले सकोगे। आपकी सेहत और बढ़िया हो, इसी ब्लेसिंग के साथ इस वीडियो को यहाँ क्लोज करती हूँ। आपने ये वीडियो फ्री देखी है, इसके बदले में आप इसे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए एंड गूगल पे स्प्रेड कीजिए। All the best.